तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम ओम सिंह राठौड़ है, जिनका जन्म 5 मार्च 1965 में पाली के चोटी लगाव में ठाकुर जोठा सिंह राठौड़ के घर पर हुआ था। राजस्थान में राजपूतों को बन्ना सा बोला जाता है, इसीलिए ओम सिंह राठौड़ को भी ओम बन्ना कहते थे। ओम बन्ना अपने पिता की एकलौती संतान थे और पूरे परिवार के प्रिय थे। बचपन से ही उन्हें बड़े प्यार से पाला गया था। जो भी उन्हें चाहिए होता था वह उन्हें लाकर दे दिया जाता था। बचपन से ही वह बाइक चलाने के शौकीन थे, इसीलिए जैसे ही ओम बन्ना बड़े हुए उन्होंने रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदी। ओम बन्ना इस मोटरसाइकिल को बेहद पसंद करते थे। वह हर समय बाइक पर ही घूमते हुए दिखाई देते थे। बाइक लेने के कुछ समय के बाद ही ओम बन्ना की शादी पास के ही एक गाँव में हो गयी, इसीलिए वह अपनी पत्नी संग बुलेट से गांव चले जाया करते थे। एक बार ओम बन्ना अपनी पत्नी से मिलने बुलेट से अपने गांव गए हुए थे। वह शाम तक रुके, फिर वह अपनी बुलेट लेकर घर के लिए निकल पड़े। उस समय सड़क काफी सुनसान थी, तो ओम बन्ना तेजी से बुलेट लेकर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई और ओम बन्ना की मृत्यु हो गई। उस जगह पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती थी। फिर अगली सुबह पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। साफ साफ दिख रहा था यह एक एक्सीडेंट का केस है। उन्होंने ओम बन्ना की लाश उनके घर पर भिजवा दी और बाइक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ओम बन्ना की बाइक वहां से गायब है। हर कोई हैरानी में यह सोच रहा था कि आखिर बाइक गई कहां। किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस वालों को लगा कि चोर ने वह बाइक चुरा ली, इसीलिए उन्होंने बाइक चोरी होने की खबर बाकी पुलिस वालों को भी दे दी। कुछ देर बाद पुलिस वालों को सूचना मिली कि एक RNJ 7773 नंबर वाली बाइक चोटीला गांव के पास जोधपुर पाली हाईवे पर लावारिस हालत में मिली है। यह बाइक ओम बन्ना की ही थी। कुछ पुलिस वालों ने बाइक अपने कब्जे में ले ली और वापस थाने में ले गए। उस रात बाइक पुलिस स्टेशन में खड़ी रही, इसीलिए अगले दिन फिर पिछली वाली घटना फिर से घटी। अगले दिन जब पुलिस वाले थाने आए उन्होंने देखा कि ओम बन्ना की बुलेट फिर से गायब है। थोड़ी देर बाद उन्हें सूचना मिली कि ओम बन्ना की बाइक उनके दुर्घटना वाली जगह पर देखी गई है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका काम है। उन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस बार चोर को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने बाइक का सारा पेट्रोल निकाल दिया, साथ ही बाइक को जंजीरों से भी बांध दिया ताकि कोई उसे ना ले जाए। अगले दिन पुलिस ने देखा कि बाइक फिर से गायब है और दुर्घटना स्थल पर है। इस बात की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी उन्होंने इसे चमत्कार मान लिया। उनका कहना था कि इसमें ओम बन्ना की आत्मा बसती है। जब इस बात की खबर ओम बन्ना के पिता और गाँव वालों को लगी तो उन्होंने कहा इस सिलसिले को खत्म करने के लिए ओम बन्ना की दुर्घटना वाली जगह पर एक स्मारक का निर्माण करना होगा। उसके बाद गांव वालों ने दुर्घटना स्थल के आसपास ओम बन्ना नाम का स्मारक बना दिया और उनकी बुलेट को वहां पर रख दिया। उस दिन के बाद से वह बुलेट कहीं नहीं गई। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया। तब से यह स्मारक एक मंदिर में बदल दिया गया। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ किसी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि ओम बन्ना की बाइक की पूजा होती है। आज भी लोग इसकी पूजा करने आते हैं। पाली जोधपुर हाईवे पर निकलने वाले सभी लोग यहाँ रुककर हाथ जोड़ते हैं। ओम बन्ना के मंदिर में शराब की बोतलें प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। तस्वीर में दिख रही लड़की जिसका नाम शांति देवी है, इस लड़की की कहानी सुनकर आप भी इस बात पर यकीन करेंगे कि पुनर्जन्म भी होता है। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में हुआ था। जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उन्होंने बोलना ही शुरू किया था कि छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता से दुनिया के बारे में नहीं पूछती थी। वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म के बारे में ही बातें किया करती थी। वह अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म के घर के बारे में या फिर पिछले जन्म के माता पिता के बारे में बताती थी। शांति देवी घर में ही नहीं बल्कि अपने स्कूल में भी अपने पिछले जन्म के ही बारे में बातें किया करती थी। उनका कहना था कि उनका एक बच्चा है और उनका पति मथुरा में रहता है। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका नाम लुगदी देवी था और 12 वर्ष की आयु में उनकी शादी केदारनाथ चौबे के साथ हुई थी। स्कूल के अध्यापकों और छात्राओं ने बताया कि शांति देवी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में भी बात करती है। शांति देवी की ये सब बातें सुनकर सभी हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात उस समय की है जब शांति देवी के दूर के रिश्तेदार बाबू बिशन चंद उनसे मिलने पहुंचे। वह दिल्ली के दरियागंज में राजहंस उच्च विद्यालय के
प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने शांति देवी से बात की और कहा कि अगर वह अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता दे तो वह उसे मथुरा ले जाएंगे। उस वक्त शांति देवी ने अपने पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया। छोटी सी शांति देवी ने ना सिर्फ पिछले जन्म के पति का नाम बताया बल्कि ये भी बताया कि वह दिखते कैसे थे। शांति ने बताया कि उसके पति चश्मा लगाते थे, वह गोरे थे, उसके बाएं गाल पर मस्सा भी था। विशन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को एक चिट्ठी लिखी और पूरी घटना के बारे में बताया। तब केदारनाथ ने चिट्ठी के बारे में लिखा कि शांति देवी जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। उसके बाद विशन चंद्र और शांति देवी दिल्ली में ही रह रहे केदारनाथ के भाई कांजीवन से मिले। शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि वो केदारनाथ के चचेरे भाई है। उसके बाद केदारनाथ अपने बेटे और तीसरी पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। जानकारों का कहना है कि केदारनाथ और उनका बेटा शांति देवी से अलग अलग मिले थे। केदारनाथ ने शांति देवी को बताया कि वो केदारनाथ के बड़े भाई है, लेकिन शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने केदारनाथ के बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। उसके बाद केदारनाथ ने शांति देवी से अकेले में बात की। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो लुगदी देवी ही है। केदारनाथ का ये कहना था कि शांति ने कुछ ऐसी बातें बताई जो लुगदी के अलावा कोई नहीं जानता था। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन बाद वापस मथुरा लौट गए। इस बात को लेकर शांति देवी दुखी हो गई और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा ले चलने की जिद करने लगी। शांति देवी ने दावा किया कि वो अपने पुराने घर का पता उनको बता सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका 1 रुपयों से भरा डब्बा भी उस घर में जमीन में गड़ा हुआ है। शांति देवी का यह केस धीरे धीरे सारे देश में चर्चा का विषय बन गया। देश के कई लोग इसके बारे में अखबारों में भी पढ़ रहे थे। शांति देवी और लुगदी देवी के बारे में बातें हो रही थी। अजीबोगरीब दिखने वाली यह कहानी महात्मा गांधी जी तक भी पहुंच चुकी थी। महात्मा गांधी जी ने खुद शांति देवी से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद 15 नवंबर 1935 में शांति देवी के साथ 15 लोगों की एक टीम मथुरा के लिए निकल पड़ी। उन लोगों ने मथुरा में पहुंचकर शांति के सामने एक अनजान शख्स को खड़ा कर दिया, जिसे देखकर शांति देवी ने उस शख्स के पैर छुए। वो अनजान शख्स उसके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को भी पहचान लिया और ये भी बताया कि घर में कहां पर रुपए गड़े हैं। वहां लोगों को रुपयों की जगह पर एक गमला मिला। शांति देवी अड़ गई कि पैसे वहीं पर रखे थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उन्होंने वह पैसे निकाल लिए थे। बाद में कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि शांति देवी ही लुगदी देवी है। कुछ लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोई भी यह बात नहीं समझ पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी को लुगदी देवी की जिंदगी की इतनी बातें कैसे याद थी। इस मामले में इयान स्टीवनसन के द्वारा 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रिकॉग्निशन नाम की एक किताब भी लिखी गई थी, जो उस वक्त काफी फेमस हुई थी। शांति देवी ने जीवन भर शादी नहीं की और 61 वर्ष की उम्र में 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।